हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकेंड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 11 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके टू वीडियोस भी आप देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने पेज नंबर 52 एंड सेकेंड वीडियो में पेज नंबर 53 एक्सप्लेन किया था और आपको क्वेश्चन 1 भी करा दिया था। और आज बारी है पेज नंबर 54 की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 54। ये जो आपके सामने है अभी, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। अब बात करेंगे हम उसी के एक और पार्ट की, वो है फ्रूट। द फ्रूट इज़ द फ्लैशी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम द फ्लावर। यानी फ्लावर के बाद क्या बनता है? फ्रूट, और वो बहुत ही फ्लैशी पार्ट होता है, यानी खाने में बहुत ही अच्छा और मीठा टेस्टी पार्ट होता है। वी ऑल्सो ईट द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मैंगो, एप्पल, कुकुम्बर, पपाया, ETC। हम बहुत सारे प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट खाते हैं, जैसे कि मैंगो। नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मैंगो जो बहुत टेस्टी होता है, फिर एप्पल, कुकुम्बर यानी ककड़ी और पपाया, और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप सब जानते ही हैं, जैसे कि चीकू, वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना। फिर है सीड। द सीड इज़ द पार्ट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज। सीड वो पार्ट होता है जिससे एक न्यू प्लांट बनता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीज। क्या बोलते हैं? बीज। वी गेट सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। हम अलग अलग प्लांट से सीड्स पाते हैं, मिलते हैं हमको, सच एज व्हीट, राइस, बाले एंड कैश्यू नट्स आर सीड दैट आर ईटन। यानी जैसे कि व्हीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, बार्ले यानी जौ और कैश्यू नट यानी काजू, ये क्या हैं? सीड्स, जिनको हम खाते भी हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स के टाइप्स देखिए। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी बड़े बड़े जो होते हैं प्लांट वो होते हैं ट्रीज, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। आपने नीम का ट्री देखा होगा, बरगद का देखा होगा, पीपल का देखा होगा, ये सब क्या है? ट्री है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं। दे हैव थीक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनकी बहुत बड़ी, मोटी, मजबूत ब्राउन कलर की स्टेम होती है, जो आपको ये देखो दिख रही है, इसको बोलते हैं TRUNK। क्या बोलते हैं? TRUNK, ट्रंक। सच एज मैंगो, बनियान, कोकोनट, नीम, गुलमोहर, ETC। एंड द ट्रीज आर द ट्रीज, दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। ये बहुत सालों तक जीते हैं, यानी कि इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। मैंगो, बनियान, ये देखो पिक्चर है मैंगो की, बनियान ट्री की, कोकोनट की यानी नारियल की, और ये गुलमोहर। श्रब्स आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स जो होते हैं वो स्मॉल बुशी प्लांट होते हैं, जो ट्री से स्मॉल होते हैं। दे हैव ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, उनकी ब्राउन कलर की और वुडी स्टेम होती हैं। मोस्ट श्रब्स लाइव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, ज़्यादातर श्रब्स होती हैं वो कुछ सालों तक ही जिंदा रहती हैं। सच एज रोज़, जैसे कि रोज़, सनफ्लावर, मैरी गोल्ड, डेजी, ट्यूलिप, ETC आर द श्रब्स। ओके, तो हमने श्रब्स तक पढ़ लिया है और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स और इसका बचा हुआ पार्ट। ओके, अब देखिए इसका होमवर्क क्या है। इस चैप्टर में मैंने आपको क्वेश्चन 1 पहले करा चुकी हूँ, जो था राइट द यूजफुल थिंग्स गिवन बाय प्लांट्स, यानी हमें प्लांट्स से क्या क्या मिलता है। और आज मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन 2, जो आपको जस्ट उसी के नीचे करना है, बट डेट लगा के करना है। राइट द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो आप पढ़ चुके हो प्लांट के पार्ट्स, तो है रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ओके, तो ओनली 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा टाइम पे और उसको लर्न भी करिएगा। थैंक यू।